आज महलगांव जोड़ फाटे पर सरपंच पारस भूसारी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, जहां क्षेत्र के जनता भारी संख्या में मौजूद थे। आंदोलन तेज होते देख पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं तुमसर के नायब तहसीलदार जामभुलकर एवं पीडब्ल्यूडी के अभियंता चौधरी भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे और मांगों को लेकर लिखित आश्वासन दिया गया। बालाघाट राष्ट्रीय महामार्ग 4 घंटे तक रोका गया। महलगांव सोंडिया सड़क की मरम्मत को लेकर प्रशासन ने आदेश दिए हैं और 2-3 दिन के भीतर काम पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी 15 करोड़ का सड़क निर्माण का प्रस्ताव मंजूर होने की खबर आंदोलनकारियों को बताई, लेकिन काम अगले साल शुरू हो सकता है, ऐसा लिखित आश्वासन देने के बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया। वहीं इस क्षेत्र में अवैध रेत के काम पर तत्काल पाबंदी लाने के लिए थानेदार नितिन मदनकर ने CCTV कैमरा लगाकर निगरानी रखने के लिए बताया गया है। चालण्यासाठी त्रासातच आहे, मुलांना वगैरे आणि बाकी लोकांना त्रास होईल। दुरुस्तीच्या अनुषंगाने आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि डेपोधारक जो आहे त्याला पण सूचना देण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यांनी आश्वासन दिलं आहे की हा रस्ता मी गिट्टी वगैरे टाकून व्यवस्थित दुरुस्त करून देतो आणि पावसाळा संपल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सुद्धा या रस्त्याला व्यवस्थित करण्यात येईल। रस्ता हा सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फेच तयार करण्यात येईल, पण जे काही पॅचेस खड्डे वगैरे पडलेले आहेत, डेपोधारकाकडून जे रेती विक्री होते त्याचे जे ट्रक जातात, त्या ट्रकमध्ये जे काही खड्डे पडले त्याची दुरुस्तीची जबाबदारी आपण डेपोधारकाला दिलेली आहे। किती तो दुरुस्त करून देऊ? किती डेपोधारकाकडून 8 दिवसात त्यांनी दुरुस्त करून देण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे। डेपोधारकाकडून आपण लिखित मागितलेलं आहे आणि त्यांना नोटीस पण दिली, त्याची प्रत पण आंदोलनकर्त्यांना दिलेली आहे नोटीस डेपोधारकाची। तर डेपोधारकाकडून लिखित आलं की आपण पण लिखित देऊ, पण आता हेच आश्वासन देतो की ते करणार आहेत। त्यामुळे सर्व आंदोलनकर्त्यांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया रस्ता रोको इथं स्थगित करा। देखिए डेपो सभी लोगों को जो रेती लगती है तो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ये माननीय जिलाधिकारी साहब की तरफ से मंजूर हुआ है डेपो, और ये सिर्फ घरकुल के लिए नहीं है, ये जिसको लगता है वो ऑनलाइन बुकिंग करे और वो डेपो से लेके जाए। लेकिन ये जो 14,000 जो ब्रास दिए गए थे उससे भी ज्यादा यहाँ पर रेती का डंप दिखता है, तो इसके ऊपर में आपने कभी मतलब जांच किए हो कि ये 14,000 ही है कि ज्यादा है करके? ऐसा कुछ रहेगा तो डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, तो टेक्निकली जो भी उसका मेजरमेंट है वो करने के बाद अगर ज़्यादा मिलता है तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। डेपोच्या व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी जर रेती दिसून आली तर ते आमच्या विभागातर्फे जप्त करण्यात येते। आताच 50 ब्रास रेती जप्त केलेली आहे आणि ज्या ज्या ठिकाणी अशा तक्रारी आहेत किंवा आढळून येते तर आपण रेती जप्त करतो। मास्टर TV24 के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।